तो का आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली थी कोरोना की वजह से रुकी थी, उसकी दूसरी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ, ये भर्ती क्लास 10th पास लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आने वाली थी और इस भर्ती की पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसकी नोटिफिकेशन एक पुरानी थी और एक नई आई है और इसके बारे में A to Z मैं बताऊँगा कौन से पोस्ट होते हैं इस भर्ती की। आपको जो ऑफिशियल इसकी साइट है आप जाएंगे तो वहाँ से उसको लिंक मिलेगा। कितने दिन लिंक एक्टिवेट होगा, लिंक एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है ऑनलाइन का, लेकिन हाँ अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और चलिए आपको पूरा बायोडाटा बता देता हूँ कि फिजिकल में आपका क्या होना चाहिए और आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं पास पे कौन सी पोस्ट है, 12वीं पास पे कौन सी पोस्ट है, लड़कों के लिए कौन सी पोस्ट है, लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो के एंड तक यदि आपका बने रहेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये बता दें, ये जो वैकेंसी है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, मुझे जहाँ तक आशा है कि नवंबर अक्टूबर तक ये आएगी, क्योंकि इसका दूसरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका डेट बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ इसे 10वीं पास लड़के और लड़कियाँ दोनों देख सकते हैं। और हाँ, ये जो जॉब आती है मेल फीमेल दोनों के लिए आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, और इसमें BSF होता है, CISF होता है, CRPF होता है, SSB होता है, ITBP होता है, AIR होता है, NIA होता है, SSF होता है। इतनी पोस्टों पर लड़के और लड़कियों को भर्ती लिया जाता है और स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा कि इसके योग्यता क्या चाहिए सभी लड़के और लड़कियों को भर्ती होने के लिए। तो मैं बता दूं आपको, यदि ये कांस्टेबल की भर्ती की पिछली नोटिफिकेशन है और सेम ऐसी जो भर्ती पिछली बार 54,000 आई थी, इस बार भी 84,000 आने की आशा है। तो चलिए देखते हैं, आपको नोटिफिकेशन बता देते हैं। यहाँ पे आपको एज आपकी इतनी होनी चाहिए 18 से 23 साल, और हाँ आपको एज पे छूट भी मिलेगी। OBC ST कुल मिला के आपको 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं। और आपकी योग्यता कम से कम क्लास 10th पास होनी चाहिए। और लड़के लड़कियों के लिए क्या फिजिकल का स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे लड़कों का हाइट देख सकते हैं, हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 170 लड़कों का होना चाहिए, उससे 1 सेंटीमीटर कम नहीं, ठीक है। और उसका चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए और उनको दौड़ना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे मेल में SC ST का देख लीजिए, जो SC ST से मेल में बिलोंग करते हैं, 1.65 हाइट चाहिए और सीना 76 से 80 चाहिए, और 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए उनको भी 24 मिनट ही दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लड़कियों को लेकर। लड़कियों की उनकी जो लंबाई है 157 चाहिए SSC GD में जाने के लिए, जितनी भी पोस्ट आती हैं। और उनका चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चेस्ट नॉर्मल रहता है। और उन्हें सिर्फ 1600 मीटर दौड़ना रहता है, वो भी 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में। और यहाँ फीमेल ST के लिए देख लीजिए, यहाँ पे 1.55 चाहिए होता है, 2 सेंटीमीटर और घट गया है, और मीटर उतना ही दौड़ना रहता है। चलिए आपको अब यहाँ पे बता दूँ किस किस फील्ड में पोस्ट लड़कियों और लड़कों के लिए आती रहती है। सबसे पहले BSF में आती है, मेल फीमेल दोनों के लिए आती है, वो भी 10वीं पास आती है। ये पिछली साल की नोटिफिकेशन जो आई थी 2018 में रैली उसकी है, ठीक है। और कितनी सीटें आई थी और उसके बाद कितनी सीटें आ रही हैं दूसरी नोटिफिकेशन में, हर एक जानकारी आपको मिलेगी टाइम टू टाइम कि कब ये भर्ती स्टार्ट होगी। तो उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबा लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सही सही जानकारी हर आपको टाइम मिलती रहे घर बैठे बैठे जब भी आप मोबाइल में इंटरनेट ऑन करते हैं। तो उसके बाद CISF होती है, मेल फीमेल दोनों होते हैं, फिर CRPF होती है, मेल फीमेल दोनों होते हैं, SSB में मेल फीमेल दोनों होते हैं, ITBP हेड कॉन्स्टेबल में मेल फीमेल दोनों होते हैं, AIR में दोनों होते हैं, NIA में दोनों होते हैं, SSF में दोनों होते हैं। ये इतनी पोस्ट आती हैं लड़के लड़कियों के लिए क्लास 10th पास भर्ती। तो आप लोग डरिए मत, 10th पास हैं तो आप सभी लोग इस भर्ती को देख सकते हैं। आज से ही अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अचानक भर्ती आएगी कोरोना लॉकडाउन के बाद। और हाँ, जब भी अचानक भर्ती आएगी आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लड़के घर पे मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ सभी लड़कों का ध्यान नहीं है। और जब भी अचानक भर्ती आएगी तो वही लड़के भर्ती होंगे जो लड़के लॉकडाउन में भी मेहनत किए रहेंगे। तो मैं सिर्फ सभी लड़कों को यही बताना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आज से ही तैयारी में लग जाओ। और हाँ, कुछ दिनों बाद YouTube पर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा, उसके लिए चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में फिर से अच्छी जानकारी आप लोग के लिए हम लेके आते रहेंगे मोटिवेट करने के लिए।